वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का इजलास, 11 टोल प्लाजे खत्म करने की मंजूरी, गंदम की रिलीज पॉलिसी में 2 माह की तौसी, बल्दियाती एक्ट 2022 का मुसावता भी मंजूर, मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन 9 टाउन काउंसिल की तादाद 27 हो जाएगी, पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने के फैसले की तौसी, फॉरेंसिक माहिरीन की इस्तेदादी कार बढ़ाने के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, साबिका वजीर आला उस्मान बुज़दार के लिए भी मारात मंजूर, सिक्योरिटी के लिए एलीट की 2 गाड़ियां दी जाएंगी। ऑरेंज ट्रेन का किराया फी किलोमीटर लेने की तजवीज़, 4 किलोमीटर का किराया 20 रुपये, 4 से 8 किलोमीटर के 25 रुपये देना होंगे, 8 से 12 किलोमीटर का सफर तय करने वालों से 30 रुपये, 16 किलोमीटर से इजाफी सफर पर 40 रुपये किराया वसूल करने की तजवीज़, स्टेशन टू स्टेशन किराए से मुसाफिर बढ़ने की उम्मीद। मिल्स मालिकान की अजारादारी, कागज की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी, कागज की कीमत 15 रुपये इजाफे से 250 रुपये किलो हो गई, कॉपियां किताबें और रजिस्टर मजीद महंगे, वालिदैन के लिए बच्चों को पढ़ाना मजीद मुश्किल हो गया, पंजाब के 10 लाख बच्चे पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, शहर में मवेशी मंडियां सजने लगी, मुल्क भर से जानवर लाहौर लाए जाने लगे, वेलेंशिया के बाद पाइन एवेन्यू में भी मंडी लग गई, खरीदारी के लिए आने वाले छोटे बकरों के बड़े दाम सुनकर परेशान, डीसी का शाहपुर कांजरा का दौरा, इंतजाम का जायजा। लाहौर बोर्ड की एक और नाहली, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का पर्चा आउट, एजीसी ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, केमिस्ट्री का पर्चा सुबह 5 बजे आउट हुआ, पर्चा दोबारा लिए जाने पर गौर, मैट्रिक के अमली इम्तिहानात में थ्योरी का पर्चा भी आउट हो चुका। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों से ज्यादा परिंदों की उड़ान, आज एक और तैयारा हादसे से बाल बाल बचा, शारजा से आने वाली पीआईए की परवाज से परिंदा टकरा गया, तैयारी के इंजन को नुकसान, हंगामी लैंडिंग करना पड़ी, 2 हफ्तों में 4 से ज्यादा तैयारों से परिंदे टकरा चुके। शहर में डेंगू सर उठाने लगा, गुलबर्ग में जेरे तामीर बिल्डिंग में मुख्तलिफ मकामात से लार्वा बरामद, 10 दिन में 25 मकामात से लार्वा मिला, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेस्को सारिफीन से फिर हाथ कर गया, नए कनेक्शन का 3 से 4 माह बाद इजाफी बिल वसूल, नेपरा ने नोटिस ले लिया, लेस्को की कारकर्दगी पर तहफुजात, नए कनेक्शन पर 2 माह के दौरान बिलिंग यकीनी बनाने की हिदायत, 3 से 4 माह की बिलिंग पर सारिफीन को एक साथ की सहूलत देने का भी कह दिया। पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन की मौजें खत्म, आइंदा मुफ्त बिजली की सहूलत नहीं मिलेगी, पब्लिक अकाउंट्स के मुफ्त यूनिट्स की सप्लाई वापस लेने की हिदायत, मुलाजमीन को 100 यूनिट से लेकर 1150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती थी, अलाउंस को तनख्वाहों में जम करने की तजवीज। स्कूल एजुकेशन का कैंसर के मरीज असातिज़ा की माली इमदाद का ऐलान, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस असातिज़ा से 25 जून तक दरख्वास्तें तलब, खवातीन असातिज़ा को स्कूटी मिलेगी, 50,000 महाना से कम तनख्वाह वाले असातिज़ा से दरख्वास्तें तलब, हुकूमत महाना 2 से 3 हजार रुपये एक साथ की सहूलत देगी। असातिज़ा के तबादलों में घपलों की शिकायत, चीफ सेक्रेटरी ने मामले की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी, स्कूल एजुकेशन से असातिज़ा के तबादलों का 3 साल रिकॉर्ड तलब, 200 रुपया जी बेटा जी कर दे पाए ने, 1800 बीबी ने दे पाए, वह भी बड़े तकिया तुकिया नाल ही, आप 2000 मिले, 1800 मिले, 100 रुपया किराया ला के 8 बजे के आ गए, इधर धूप में खड़े में अभी तक कोई चक्कर नहीं है। एहसास प्रोग्राम के नाम पर लूटमार, खवातीन को 2000 की जगह 1800 रुपये देकर तरखाया जाने लगा, खालिक नगर में इमदाद के लिए आने वाली खवातीन की कतारें, फ्रेंचाइज की जानिब से कम पैसे देने पर एहतजाज, खवातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खालिक नगर यूहन्नाबाद मसाइल का गढ़ बन गया, जगह जगह खड्डे, सिवरेज का पानी गलियों में निकल आया, मकीनों के लिए पैदल चलना भी दुश्वार, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा।
हमारी जो फाइल है वो प्राइवेट बंदे चेक कर रहे हैं, जो कि कह ले कि इधर से कोई बंदे को खड़ा करे यार इसकी फाइल चेक करे, वो आगे से मुख्तलिफ किस्म के इशारे करता है कि भाई ये फाइल ऐसे नहीं होगी। एक अख्तर साहब हैं, दूसरे हमारे खलील साहब हैं परचेज ऑफिसर, कल वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस काम की वजह से ले गए हैं जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उन्हें हमें एमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़ा है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुलाजमीन का एहतजाज, मुकर्रर औकात से ज़ायद ड्यूटी देने से इनकार, ओपीडी का बायकॉट कर दिया, इलाज के लिए आने वाले दिल के मरीज दिन भर ख्वार होते रहे। कोविड 19 के मरीजों से इलाज से ज़ायद अखराजात की वसूली का केस, 3 मारूफ प्राइवेट हस्पतालों को 5 लाख रुपए फी का जुर्माना, नेशनल हस्पताल डिफेंस, एवर केयर हस्पताल, फारूक हस्पताल। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कोरोना के मरीजों से वसूल करदा इजाफी पैसे 15 दिन में वापस करने का हुक्म दे दिया, अदायगियों की रिपोर्ट भी तलब। सरकारी हस्पतालों से अद्वियात चोरी, मेडिकल स्टोर तक कैसे पहुंची, महकमा सेहत को खुफिया हाथों की तलाश, PIC जनरल हस्पताल से इन्फेक्शन, दिल के मरीज और जोड़ों के दर्द की अद्वियात चोरी हुई, कैंसर और आंखों के अमराज की अद्वियात शामिल, अहमद मेडिकल स्टोर ढोलनबाल से अद्वियात मिली। दो सौ 243 जेल मुलाजमीन अफसरान की खिदमत पर मामूर, महकमा दाखिला के अफसरान ने घरों पर जाती काम के लिए रख लिया, वजीर आला के अहकामात भी नजरअंदाज, वार्डर्स को वापस बुलाया गया, अभी तक सिर्फ 5 ने महकमा जेल को रिपोर्ट किया। असलहे की नुमाइश पर डायरेक्ट पर्चा कटेगा, कानून शिकनों के लिए कोई रियायत नहीं, CCPO ने दो टोक बता दिया, बिलाल सदी को मियाना कहते हैं इलेक्शन कमीशन के जाब्ते अखलाक पर मुकम्मल अमल कराएंगे। एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ की कार्रवाई, 13 कार चोर गिरफ्तार, 4,70,00,000 मालियत की 16 गाड़ियां बरामद, पकड़े गए 13 मुलजिमान में 5 पुलिस एहलकार भी शामिल, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, SSP आफ्ताब फुलरमान की मीडिया टॉक। ई टिकटिंग चालान से मुतालिक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल, फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए नोटिस जारी, पंजाब हुकूमत ने फैसला चैलेंज किया, जस्टिस अली बाकी नसवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाप्त की, जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ई टिकटिंग चालान को गैर कानूनी करार देते हुए कहा था कि काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों से ई चालान नहीं किया जा सकता। ₹24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मोनस इलाही ने वकला के जरिए FIA को जवाब जमा करा दिया, 35 सवालों के जवाब मांगे गए थे, साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही 4 जुलाई तक अबूरी जमानत पर है। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का इजलास, पैनल ऑफ चेयरमैन खलील ताहिर सिंधु ने सदारत की, लीगी अरकान ने बुजदार दौर में जारी की गई सप्लीमेंट्री ग्रांट की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया, इजलास कल दोपहर तक के लिए मुलतवी। पंजाब काबीना में तौसी का दूसरा मरहला, 27 जून को मजीद 20 वज़रा हल्फ उठाएंगे, नदीम कामरान, सैफ अल मलूक खोखर, बिलाल यासीन, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान शामिल, ख्वाजा इमरान नजीर, राना मशहूर, मखदूम उस्मान महमूद, अहमद अली औलख, जुगनू मोहसिन समेत दीगर नाम शामिल। लाहौर का जिमनी इलेक्शन, तहरीक लबैक पाकिस्तान का 4 हलकों से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान, PP 158 से बिलाल शेख, PP 167 से हसनैन अहमद उम्मीदवार मुकर्रर, PP 168 से अमजद अब्बासी, PP 170 से जमील अहमद सियासी मैदान में उतरेंगे। PP 168 से लीगी उम्मीदवार असद खोखर की इंतखाबी मुहिम, F ब्लॉक पाक अरब सोसाइटी के मकीनों से मुलाकात की, मसाइल के हल का यकीन दिलाया, उधर MNA अली परवेज की जेर सदारत बागवानपुरा में इजलास, जिमनी इलेक्शन में कारकुनों की ड्यूटीज पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ लाहौर की नाकिस कारकर्दगी, सदर के तबादले के लिए आवाजें उठने लगी, लॉन्ग मार्च में कारकुनों को घरों से ना निकालने का इल्जाम, सोशल मीडिया पर PTI लाहौर की क़यादत के खिलाफ मुहिम तेज पकड़ गई, कप्तान से नोटिस लेने का मुतालिबा।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इसाल सवाब के लिए दुआया तकरीब। सदर विमेन विंग समीना खालिद घुरकी ने कुरान खानी कराई। नरगिस खान, नासिरा शौकत, सगीरा इस्लाम, अकीला यूसुफ, नाहिद हुमा सहर, तलत नदीम की शिरकत। गवर्नर पंजाब अली गौर रहमान से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा तालुकात और सी पैक मनसूबों पर तबादला ख्याल। चीनी काउंसिल जनरल लाहौर चैम्बर भी गए। सदर मियां नुमान कबीर से मिले। मियां रहमान अजीज चंद, हारिस अतीक भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों में तजारती तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान से चीनी काउंसलर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने की बातचीत। कमिश्नर लाहौर का खाड़क नाला मुल्तान रोड का दौरा। ग्रीन बेल्ट पर पड़ने वाले घड़े का जायजा लिया। मोहम्मद उस्मान ने सर्कुलर रोड, गौसशाह लाइब्रेरी और पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर के इंतजाम भी देखे। आईजी पंजाब की जेर सदारत इजलास। लाहौर को ड्रग फ्री सिटी बनाने का फैसला। जिला इंतजामिया महकमा सेहत के साथ मिलकर लाहे अमल बनाने का हुक्म। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। बहाली सेंटर मुंतकिली के लिए इकदाम की हिदायत। पियाफ के अहदेदारों का चुनाव। फहीमुर रहमान सहगल चेयरमैन मुंतखब। हारून शफी सीनियर वाइस चेयरमैन। राजा आदिल अशफाक वाइस चेयरमैन बन गए। गुलबर्ग में हल्फ बर्दारी की तकरीब। मियां अंजुम निसार, मियां शफकत, मियां अली की शिरकत। शहर को साफ बनाना है, डेंगू को भगाना है। वाबका पब्लिक गर्ल्स स्कूल में एंटी डेंगू सेमिनार। डीडीओ हेल्थ इकबाल टाउन डॉक्टर हमीदुल्ला, एमपी राना मुबशर इकबाल, सैफल मलूक खोकर की शिरकत। वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत खैबर ब्लॉक में आगाही वॉक। चेयरमैन वेलफेयर बोर्ड लियाकत अली चट्ठा ने क्यादत की। डेंगू से आगाही के लिए पंफलेट तकसीम किए। तिब की दुनिया में नुमाया खिदमत। डीन अलाइड हेल्थ साइंसेज किंग एडवर्ड के लिए टीचर्स अवार्ड। प्रोफेसर सैयद असगर नकी को 10 लाख रुपए इनाम और तारीफी सनद का तोहफा मिला। तकरीब में वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल शरीक थे।